रंगीला हूँ साहब इसलिए रंगीली रातों को रंगों में सजा देता हूँ। रंगीला हूँ साहब इसलिए रंगीली रातों को रंगों में सजा देता हूँ। दिखता हूँ एक छोटी सी अद्दी की तरह लेकिन पूरी बोतल का मजा देता हूँ। हास्य पड़ा। अब मैं चौथ का बनवाड़ा से हमारे एक और मित्र रिंकू रंगीला आए हैं। मैं स्वागत करता हूं, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सबसे पहले मां शारदे को नमन करता हूं और सारी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार करता हूं कि दूसरों को तो कह देते हम भाई, अरे दूसरों को तो कह देते हम भाई, लेकिन सगे भाई में भी मुझे भाई जैसा व्यवहार नहीं दिखता। दूसरों को तो कह देते हम भाई, लेकिन सगे भाई में भी मुझे भाई जैसा व्यवहार नहीं दिखता। अब वो पहले जैसा राम लक्ष्मण जैसा किरदार नहीं दिखता। भाइयों में भी खाब पहले जैसी प्यार मोहब्बत वाली बातें पड़ती है। ये जिंदगी है साहब इतनी आसानी से थोड़ी कटती है। इस जिंदगी में कभी हंसना है तो कभी रोना है। अरे लाखों करोड़ों कमा लो तुम, लेकिन याद रखना एक दिन सारा का सारा यहीं पर खोना है। भाई साहब अभी मेरा नाम बताया रिंकू रंगीला। वैसे मैं जाति से मीणा, लेकिन रंगीला नाम के पीछे भी एक घटना है। वो घटना ये कि दुलंडी के समय की बात थी। एक हमारे मोहल्ले की लड़की जिसके होंठ गुलाब जामुन की तरह लाल थे, पतासी की तरह फूले उसके बाल थे। ये तो क्या है हमारे मोहल्ले के हमारे बड़े भाई, ये तो हमारे मोहल्ले के हमारे बड़े भाई, इनका भी यारो गजब का कमाल है। और काले गुलाब जामुन को हमारे साथ दोस्तों के सामने कह देते हैं कि भैया ये तो लाल है। कि भाई साहब मैं जाति से मीणा, लेकिन रंगीला नाम के पीछे भी एक घटना है। वो घटना ये कि दुलंडी के समय की बात थी। एक हमारे मोहल्ले की लड़की जिसके वो गुलाब जामुन की तरह लाल थे, पतासी की तरह फूले उसके गाल थे, जैसे इनका कि दुलंडी के समय की बात थी। एक हमारे मोहल्ले की लड़की जिसके वो गुलाब जामुन की तरह लाल थे, पतासी की तरह फूले उसके गाल थे। तो दुलंडी के दिन मैंने उसके गालों को रंगों से रंग डाला। तो हमारे घर पर आकर मेरी मम्मी से बोली कि आंटी आपके रिंकू ने मेरे गालों को रंग कर दिया बिल्कुल लाल पीला। उसी दिन से मोहल्ले के लड़के कहने लग गए वाह रे कमाल कर गया रिंकू। रंगीला हूँ साहब इसलिए रंगीली रातों को रंगों में सजा देता हूँ। रंगीला हूँ साहब इसलिए रंगीली रातों को रंगों में सजा देता हूँ। दिखता हूँ एक छोटी सी अद्दी की तरह लेकिन पूरी बोतल का मजा देता हूँ। मानता हूँ हालांकि मैं ये सब जितने भी आए हैं वो मेरे बड़े या छोटे भाई बहन है। ये पूरा का पूरा अपना है घर। और भाई साहब देश की अर्थव्यवस्था जिसने बढ़ाई वो था देशी या इंग्लिश का क्वार्टर। तो एक दिन मुझे सपना आ रहा था, सपने ही सपने में मैं बस में जा रहा था। अचानक मेरी निगाह टिकी, मुझे एक खूबसूरत सी लड़की दिखी। वो मुझे देखकर शेर शायरी और गजलें फेंक रही थी। वो लड़की मुझे ही देख रही थी तो मैंने उससे कहा कि लव के बारे में जानती हो क्या, प्यार अपना झूठा सच्चा मानती हो क्या। तो बोली जानती तो हूँ लेकिन आप ही बता दे तो कुछ अच्छा होगा, प्यार अपना झूठा नहीं सच्चा होगा। मैंने कहा लव के बारे में ऐसी ऐसी बातें ना करे, लव श्री राम का बेटा था, कृपया अधिक जानकारी के लिए रामायण पढ़े। पिछले दिनों मैंने एक तोता पाला, उसको इंसानियत भाषा में बोलना सिखा डाला। जैसे उसकी दाई टांग खींची जाती तो तोता बोलता था जय श्री राम, जैसे उसकी बाई टांग खींची जाती तोता बोलता था जय हनुमान। तभी हमारे एक पड़ोस की बुढ़ी अम्मा आई तो उसने सोचा क्यों नहीं इसकी दोनों टांगों को खींचा जाए, फिर देखा जाए कि ये क्या बोलता है। अब जैसे बुढ़ी अम्मा ने उसकी दोनों टांगों को खींचा तो तोता बोला ना जय श्री राम, ना बोला जय हनुमान, तोता बोला पटके की राम। वो पिछले दिनों में तीन चींटियों का इंटरव्यू लेने चल गया, लाल काली सफेद। मैंने लाल से कहा अरे तू लाल कैसे,
तो बोली ये तो प्रकृति का कमाल है, मैं आदमियों का खून पीती हूँ इसलिए मेरा रंग लाल है। फिर मैंने काली से कहा तू काली कैसे, तो बोली मैं तो बड़ी निराली हूँ, धूप में काम करती हूँ इसलिए काली हूँ। फिर मैंने सफेद से कहा तू सफेद कैसे, तो बोली मैं तो दुनिया को बेवकूफ बनाती हूँ और मेरे मकान मालिक इनकी फेयर एंड लवली भी चोर के लगाती हूँ। भाई साहब, एक आदमी कमल के फूल तोड़ रहा था, साथ में ऐसे बोल रहा था कि दिल से दिल मिल जाएंगे जब कमल के फूल खिल जाएंगे। एक आदमी ने कहा भैया मुझको दे दो एक गुलदस्ते में कर दो उसको पैक। उसको लेकर वो एक पार्टी में चल गया, उसमें अनेक से राजनीतियों का दल गया। एक लड़की उस लड़के की तरह फंस गई, उसने सोचा नहीं अपने चक्कर में फंस गई। इतने में उसने उसको कमल का फूल दे दिया और उससे आई लव यू कह दिया। इतने में उस लड़की ने भी गजब की हद कर दी, उस लड़के के एक जोरदार लपड़ की दर दी। तो बोला डार्लिंग तुमने ये क्या कर दिया, तो बोली रे जब तूने मुझे भाजपा का दिया तो मैंने कांग्रेस का पंजा दर दिया। अब मैं प्रोग्राम में सीमा का ध्यान रखते हुए थोड़ा अपनी कविता जो कि भाई साहब अभी बची क्या कुछ अभी तक तो पूरा ज्ञान का भंडार है, मुझे भी अपना घर परिवार इससे मुझे बहुत काफी प्यार है। कि भारत के लिए बड़े खुशी की बात थी कि ओलंपिक में हैदराबाद की बाला साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतकर बताया, लेकिन बड़े दुख की बात थी कि जब इस हैदराबादी बाला साइना नेहवाल का जन्म हुआ तो उनके घर में जब उनकी दादी को पता चला कि उनके घर में पोती हुई है तो उन्होंने उसका 6 महीने तक मुंह नहीं देखा। हमारे देश में कहा जाता है कि यत्र नारे पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारियों की पूजा की जाती है वह देवता निवास करते हैं। लेकिन आज हमारे देश में यह हालत है, एक कन्या जो पैदा नहीं होती उससे पहले उसे भ्रूण में मरवा दिया जाता है। अगर उसे भ्रूण में मरवाया नहीं जाता तो बड़ी होकर किसी की बहन बेटी तथा किसी की माँ होती। और जितने भी श्रोतागण मौजूद है यहाँ पर चाहे 2, 4 या 5 जितने भी, लेकिन वो भी किसी न किसी माँ की संतान होंगे। फिर अपनी कविता पढ़ता हूँ साहब कि आजकल का जवान लड़का अगर नए कपड़े पहन लेता है तो मन ही मन में जानबूझ होता है, उसका बाप भी उसे देखकर काफी खुश होता है। और जब नहीं मिलता शादी का एक भी रिश्ता तो उसे लिंगानुपात का कम होना महसूस होता है। यह वह देश है जहाँ कंस जैसा मामा अपनी भांजी को मार देता है और आधुनिक कलयुग का रावण अपना ईमान कुछ इस कदर गिरवा देता है, खुद अपनी बेटी को जन्म लेने से पहले भ्रूण में मरवा देता है। क्यों नहीं लड़कियों की सांसों को पैदा होने से पहले ही नाटका देना चाहिए, और जो करवाता है कन्या भ्रूण हत्या ऐसे नरपापी को जिंदा ही फांसी पर लटका देना चाहिए जिससे इन नारियों का सम्मान हो जाए और मेरा भारत देश।